मैं भी ऐसी करती थी कि स्टार्टिंग में बहुत सारी बुक्स खरीद ली, लेकिन जब लास्ट में पता चला कि पॉलिटी के लिए सिर्फ आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने बहुत टाइम पहले स्कूल में ही पढ़ा था कि पेपर ऐसा होता है कि छूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन छूट गए, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी जब तक आप तैयारी की फेज में थोड़ा सा दूरी बना के रहें। हेलो मैम, इंटरव्यू कैसे? हेलो हेलो, आपका इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा हुआ। मैम आपका नाम और थोड़ा अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड की? मैं कामिनी गौतम और मैं झांसी से बिलोंग करती हूँ और मैंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में और मैं 2018 मेरा सिलेक्शन हो चुका है कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। इसके लिए मैम आपको बहुत बहुत थैंक यू। तो पीसीएस की तैयारी आप कब से कर रही हैं? पहला अटेम्प्ट आपका कब था, कितने अटेम्प्ट हो चुके? मैंने 2017 में दिया था पहला अटेम्प्ट अपना, उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर पर, फिर 2018 में मेरा सिलेक्शन डिस्ट्रिक्ट पे कमर्शियल टैक्स ऑफिसर पे हुआ है और ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। अभी मीडियम क्या रहा मैम? मेरा हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम, हाँ। तो कहीं पर आपने तैयारी के लिए कोचिंग वगैरह ली थी या फिर स्टार्टिंग से ही चलते हैं? मैंने यहीं इलाहाबाद से कोचिंग किया है DIIS से, तो काफ़ी अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हिस्ट्री ज्योग्राफी और मतलब पॉलिटिकल साइंस का नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको कोचिंग उसमें हेल्प करती है, अदरवाइज उस टाइम पे इतने यूट्यूब पे मटेरियल नहीं था, अभी तो वर्तमान में तो बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है तो आप घर बैठे भी तैयारी कर सकते हैं आराम से। अभी के टाइम क्योंकि आपको कोचिंग तो मतलब काफ़ी टाइम पहले आपने की थी, अभी के टाइम पे इस बार आप प्रिपेयर की अपने लिए, हाँ, तैयारी कैसे की, मतलब कितना सोशल मीडिया का मतलब यूज लिया या फिर यूट्यूब वगैरह का हेल्प लिया, किस तरीके? अभी तो पूरी सेल्फ स्टडी किया है मैंने, जो मेरे पुराने नोट्स हैं उनको सब किया है, बाकी जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनको काफ़ी अच्छे से किया है और जो करंट अफेयर्स है उसके लिए आप मंथली मैगजीन कोई भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे मैंने विजन IAS भी पढ़ा है और घटना चक्र का 1 ईयर का आता है मैंने उसको बहुत अच्छे से किया है, बाकी 2-3 यूट्यूब चैनल हैं जिनको मैं लगातार फॉलो करती हूँ। कौन सा चैनल फॉलो? एक तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कुछ कुछ आते रहते हैं और एक नितिन सर का एक आता था पर डे के हिसाब से उनका करंट अफेयर्स का, तो वो मैं देखती थी। इसके अलावा और भी मतलब किस तरीके से आपने वेबसाइट वगैरह भी कोई फॉलो की थी? नहीं, वेबसाइट तो मैं जैसे कोई मुझे टॉपिक अगर मुझे सर्च करना होता था किसी के बारे में तो मैं उसमें सिंपली मतलब वो टॉपिक और UPSC लिख के सर्च कर लेती थी, तो जैसे ट्रस्टी IAS हो गया, DIIS का कुछ मटेरियल, विजन IAS से मैंने उससे ही स्टडी किया मतलब। जैसे जो बिगिनर है अभी तैयारी के बारे में सोच रहा है, मान लीजिए इंटर पास है या फिर ग्रेजुएशन अभी कर रहा है, तो वो अपना पहला कदम रखना चाहता है तैयारी के लिए, तो पहला उसका स्टेप क्या होना चाहिए, पूरा बेसिक से आप बताइए। देखिए अगर अभी अगर स्कूल लेवल पे है तो मैं तो पहले उसे यही कहूंगी पहले अपना ग्रेजुएशन अच्छे से करें, फाइनल ईयर में आते आते आप थोड़ा सा मतलब सिविल सर्विस सीरियस हो सकते हैं, और जो अभी फाइनल ईयर में है तो मैं उनको ये तो न्यूज़पेपर और आप UPSC के पूरे सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करें, क्योंकि आपको प्री तो ऑब्जेक्टिव होता है लेकिन मेंस में सब कुछ डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, तो जब तक अगर आपको मेंस का सिलेबस अच्छे से नहीं पता होगा तो आप न्यूज़पेपर भी अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो मैं एक ये मतलब एक सबसे बड़ी सलाह देना चाहती हूँ कि आप सबसे पहले सिलेबस को देखें, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई का जो है कुछ भी आप मटेरियल खरीद रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही लें, ये ना कि बहुत सारी बुक्स हम स्टार्टिंग में क्या होता है कि मैं भी ऐसी करती थी कि स्टार्टिंग में बहुत सारी बुक्स खरीद ली लेकिन जब लास्ट में पता चला कि पॉलिटी के लिए सिर्फ आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है और ज्योग्राफी के लिए भी ऐसी NCERTs पढ़नी है, हिस्ट्री के लिए आपको स्पेक्ट्रम पढ़ना है, तो आप अगर स्टार्टिंग फेज में है तो बस थोड़ा सा आप सिलेबस को गो थ्रू होते रहिए और करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करिए। जैसे कि अभी आपने बताया कि शुरुआत यदि कोई करता है तो न्यूज़पेपर स्टडी में उसको पढ़ना चाहिए, तो आप हिंदी मीडियम से थे तो कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ती थी, क्या चीज़? देखिए मैं हिंदी मीडियम तो वैसे मैंने कभी अमर उजाला मैं कभी कभी पढ़ लेती हूँ, वैसे मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती हूँ, उसके लिए अगर एडिटोरियल या अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तो इंडियन एक्सप्रेस के लिए मैं सजेस्ट करूँ। हिंदी मीडियम के जो न्यूज पेपर आते हैं हिंदी के तो उनमें उतना अच्छा कंटेंट नहीं मिल पाता है हमें PCS के एग्जाम में। हिंदी मीडियम में आप कुछ पेपर पढ़ सकते हैं, जैसे जनसत्ता आता है उसमें एडिटोरियल काफी अच्छे से आता है मतलब एनालिसिस बेसिस पे, बाकी अगर आप देखें तो लोकल न्यूज ज्यादा होती है तो आप उनको ना पढ़ के जो भी आपको नेशनल लेवल पे न्यूज दिखती है आप उनको उससे पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैम जो NCERT का पोर्शन होता है काफी सारे टॉपर सजेस्ट करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको NCERT से अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहिए, तो आपका उस पर क्या विचार है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए? देखिए मेरा जैसे BTech था तो मेरा जो है कोई भी बैकग्राउंड नहीं था, मतलब हिस्ट्री ज्योग्राफी मैंने बहुत टाइम पहले स्कूल में ही पढ़ा था, तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने NCERT से ही किया था, लेकिन आपको सारी NCERTs पढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे कि अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो उसमें 11th-12th की हिस्ट्री से आपका काम हो जाता है, और ज्योग्राफी के लिए भी अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक नॉलेज भी नहीं है
तो आप सिक्स टू पहले सिक्स से स्टार्ट करके ट्वेल्थ तक पढ़ सकते हैं, फिर जब आपकी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए बुक से तो आप केवल इलेवेंथ और ट्वेल्थ की पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी के लिए तो मैंने सच कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, लक्ष्मीकांत ही पढ़ा है मतलब। और कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है? आप पॉलिटी की कुछ कुछ एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं जिसमें थ्योरीज बारे में है, और इकोनॉमी की तो मैंने नहीं पढ़ी है, बाकी एनवायरमेंट के लिए भी बायोलॉजी का कुछ पोर्शन होता है आप उसके लिए पढ़ सकते हैं। मैंने जो पढ़ा है वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए पढ़ा है। इसके बाद जब हम एनसीईआरटी अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो स्टैंडर्ड बुक्स पे जाते हैं, तो आप हिंदी मीडियम के लिए मतलब क्या बुक्स वगैरह आप अपना फॉलो करती थी वो बुक्स? हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम ही है बुक्स, बस उनका एडिशन हिंदी में है, जैसे कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत और मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, और इकोनॉमी के लिए मैंने करंट अफेयर्स में ज़्यादा पढ़ा है, विसन आईएएस के कुछ नोट्स मैंने पढ़े हैं, बाकी इन्वायरमेंट के लिए दृष्टि आईएएस की इन्वायरमेंट की वो काफ़ी अच्छी आती है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैम पूरी तैयारी हमारी बुक से हो जाती है स्टैंड बुक से, उसके बाद जब प्रीलिम्स का एग्जाम नज़दीक आता है तो हमें मतलब उस तरीके से अप्रोच किस तरीके मतलब अप्रोच अपनी बदल लेनी चाहिए खासकर प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए? प्रीलिम्स के लिए देखिए, मैं अगर आप पहले तो एक कंसोलिडेटेड पढ़ाई करिए प्री और मेंस के लिए, एक डेढ़ दो महीने पहले आपकी तैयारी का क्या लेवल है उसके आधार पर आप पूरा प्री फोकस्ड हो जाइए। जैसे अभी जो है मई में है एग्ज़ाम, तो आप अभी इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ प्री पढ़िए, उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये कि आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लगाएं अगर पीसेस के लिए, और करंट अफेयर्स को बार बार रिवाइज करते रहें, और अगर आपका टाइम मैनेजमेंट 2 आवर्स के हिसाब से अगर नहीं है उतना तो आप कुछ टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं दृष्टि की और जीएस वर्ल्ड की, वो मैं सजेस्ट करना चाहती हूँ। मान लीजिए मैम तैयारी हम लोग कर रहे हैं प्री का हो गया या फिर मतलब स्टैंडर्ड बुक्स जब पढ़ते हैं तो शॉर्ट नोट्स उसमें से किस तरीके बनाने चाहिए, चाहे प्रीलिम्स के बेस पर हो गया या फिर मेंस के लिए हम बना रहे हैं? आप देखिए, आप जैसे कि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें आपने रिवाइज किया या कोई टेस्ट पेपर दिया, फिर आपको लग रहा है कि अगर वो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है बार बार, या जो चीज़ गलत हो रही है आप उसके एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, या जो चीज़ आप बार बार भूल रहे हैं आप उसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, बाकी आप और इससे ज़्यादा नोट्स बना भी नहीं पाएंगे क्योंकि लास्ट टाइम पर जब प्री होता है या कुछ भी होता है तो उसको रिवाइज करना इतना टाइम नहीं रहता है आपके पास, तो जो चीज़ें आप भूल रहे हैं आप उतना ही आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और जिसको आप रिवाइज कर सकें। और मेंस का मान लीजिए मेंस के फोकस से हम तैयारी कर रहे हैं तो मेंस के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए? देखिए मेंस के लिए तो सबसे पहले तो आप आंसर राइटिंग पे ध्यान बहुत देना जरूरी है क्योंकि सारा पेपर आपकी राइटिंग स्किल्स पे है, दूसरा आपकी स्पीड कैसी है उस पर भी बहुत है क्योंकि पेपर ऐसा होता है कि छूट जाते हैं, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन छूट गए, तो आप सबसे पहले तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, जो भी किसी भी 2-3 टेस्ट सीरीज अगर आप ऑनलाइन डाउनलोड कर लें या फिर मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं, आप उनके क्वेश्चंस को पहले पढ़ें, फिर अपने आप से आंसर लिखने की कोशिश करें उसमें, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करें कि आपने क्या मिस किया, उसमें क्या पॉइंट ऐड करने थे, और मैप्स वगैरह डायग्राम्स वगैरह इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए क्योंकि उससे एक आपका वैल्यू एडिशन हो जाता है। जैसे कि आपने बताया टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी चाहिए, मान लीजिए हम एग्जाम देने जाते हैं एग्जाम हॉल में, तो यदि एक आध क्वेश्चन छूट जाते हैं किसी पेपर में तो उसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारे? नहीं देखिए, अगर 150 मार्क्स का पूरा टोटल आते हैं, मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से अगर आप जैसे कि सीट्स कम हैं तो कट ऑफ भी हायर रहने के चांसेस रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप 120 130 के समथिंग करते हैं तो एक दो क्वेश्चन अगर गलत भी हो जाते हैं और हो भी जाते हैं उसमें तो इतना कोई नुकसान नहीं होता है उसमें। और मैम इंटरव्यू के लिए आपका क्या गाइडेंस रहेगा कि जैसे कि तैयारी स्टार्ट करें तो उसके साथ साथ क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि इंटरव्यू की भी तैयारी साथ साथ चलती रही हमारी? जब आप प्री मेंस की सारी तैयारी कर रहे हैं तो साथ साथ में आप जिस रीजन में रह रहे हैं, आप अपने जो आपकी पर्सनल आप में क्या कमियाँ हैं, क्या आप में खूबियाँ हैं, सारा आप किस क्षेत्र को बिलोंग करते हैं, आप किस जॉब में हैं, आपने अपना ग्रेजुएशन किस में किया है, उन सब के बारे में आप जो है वो साथ साथ पढ़ाई करते रहें ताकि जब आपका इंटरव्यू हो तो आप पे एकदम से लोड ना पड़ जाए चीज़ों का। और मैम कई बार पढ़ते टाइम हम लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, चीज़ें नहीं समझ में आती हैं या फिर कई बार फेलियर का सामना करना पड़ता है, मान लीजिए टेस्ट सीरीज ही लगा रहे हैं तो नंबर कम आते हैं, तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे मोटिवेट करें? देखिए टेस्ट सीरीज तो उसमें कोई भी रोल नहीं है कि आपके मार्क्स उसमें कम आ रहे हैं तो आपके एग्जाम में मार्क्स कम आए, मेरे भी कई बार ऐसा होता था कि मार्क्स बहुत कम आ जाते थे, लेकिन आप उसको केवल एक इवेल्युएशन के उस पॉइंट ऑफ व्यू पे लें, उसको आप ऐसा ना लें कि यही मेरा फाइनल एग्जाम है। बाकी अब जैसे मैं भी डिमोटिवेट होती थी तो मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर लेती थी, या आप अपनी फैमिली मेंबर में मम्मी से पापा से किसी भी से भी बात कर सकते हैं, या कुछ मोटिवेशन
वाला कोई आप जिसे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं उस चीज़ को आप देख सकते हैं, तो एक आपको उससे मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये कई लोग का सुझाव होता है कि जब स्टार्टिंग में अपनी तैयारी स्टार्ट करें तो उस टाइम पे सोशल मीडिया को जो है बंद कर देना चाहिए, चाहे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया या इंस्टाग्राम हो गया, तो आपका उस पर क्या विचार है, क्या सुझाव? देखिए सोशल मीडिया आजकल देखिए आप इतना हो गया है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है आप पढ़ाई कर रहे हैं फिर वो चेक करने जाएंगे, चाहे व्हाट्सएप हो चाहे फेसबुक हो। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी जब तक आप तैयारी की फेज में थोड़ा सा दूरी बना के रहें, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप सोचते हैं कि मैं 5 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं और मैं कुछ चेक कर लूं नोटिफिकेशन, वो 5 मिनट कब आपके आधा घंटा एक घंटा हो जाता है ना, तो वो पता नहीं चलता और टाइम वेस्ट होता है। फिर फाइनली आप खुद को ही कोसते हैं कि मैंने क्यों चेक किया, मेरा टाइम किस में जा रहा है, मेरी पढ़ाई नहीं हो रही है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा दूर ही रहें। बाकी आप एजुकेशनल अगर जैसे कुछ टेलीग्राम है उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ चैनल्स होते हैं आप उसमें आप अपने मॉक टेस्ट के लिए वो कर सकते हैं क्वेश्चन, हाँ क्विज वगैरह दे सकते हैं, तो आप उतने तक रह सकते हैं, लेकिन उससे आके मुझे नहीं लगता कि किसी को भी इतना यूज करना चाहिए सोशल मीडिया। हमारे साथ बहुत सारे छात्र जुड़े हैं जो कि तैयारी में हैं या फिर बहुत सारे लोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहे? देखिए पहला तो ये है कि अगर आप इस जॉब में आए हैं तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ये है। और बहुत ऐसा भी आ जाता है कि लगातार आपका नहीं हो रहा है, लेकिन आप अगर आप इस फील्ड में आने की आपने सोचा है तो हार मत मानिए और लगातार प्रयास करते रहिए। और अगर डिमोटिवेट भी हो रहे हैं तो किसी अपने फ्रेंड से मम्मी पापा से सपोर्ट करिए, बात करिए कि इस चीज़ से, तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर और फैमिली सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, मैं ये चाहती हूँ। ओके थैंक यू सो मच मैम बात करने के लिए, आशा करता हूँ कि आप जिस पोस्ट के लिए हैं सिलेक्शन। बिल्कुल थैंक यू।